A very good morning and welcome again. मल्टीप्लीकेशन फेज, गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज और वृद्धि प्रावस्था हमने ऊ जेनेसिस की देख ली थी। तीसरी प्रावस्था से आज हम शुरू करते हैं परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। तो शुरू करते हैं डिस्टेंस। इस विभाजन के लिए किसी न किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है, यानी मैचुरेशन फेज चलने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेशन जरूरी हो जाएगा और यह उद्दीपन चाहे अंडाणु का शुक्राणु से स्पर्श हो या कोई बाह्य कारक हो या हार्मोन्स हो उसके द्वारा दिया जाएगा। स्तनधारी प्राणियों में हम बात करें तो उद्दीपन का कार्य पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। प्राथमिक अंडाणु कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन उस तरह नहीं होता जैसा कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में होता है, यानी यहाँ पर कुछ अंतर पाया जाता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप चार समान आकार की पुत्री कोशिकाएं बनती हमने देखा है, परंतु अंडाणु कोशिका में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद प्राथमिक अंड कोशिका के केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है, वह गुणसूत्र तथा केंद्रक द्रव्य मुक्त होकर कोशिका द्रव में समायोजित हो जाता है। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित mRNA, tRNA, राइबोप्रोटीन्स तथा इन्फॉर्मोसोम्स कोशिका द्रव में मिल जाते हैं, यानी ये सारे परिवर्तन परिपक्वन अवस्था में देखने को मिलते हैं। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तो इसी समय कोशिका द्रव में एक छोटा सा उभार विकसित होता है जिसमें एक नवनिर्मित अगुणित केंद्रक आ जाता है, यानी गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए हैं और फिर कोशिका द्रव में एक छोटा सा उभार डेवलप हो रहा है और इसमें एक नवनिर्मित केंद्रक पाया जाता है। यह उभार टूटकर पृथक हो जाता है आगे, इसे प्रथम पोलर का या फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से हम जानेंगे। इसमें एक अगुणित केंद्रक तथा नाम मात्र का कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दूसरा भाग जिसमें अधिकतम कोशिका द्रव्य तथा एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है उसे द्वितीयक अंडाणु कोशिका हम कहते हैं। द्वितीयक अंडाणु कोशिका में अब द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है जो समसूत्री विभाजन प्रकार का होता है। इसमें भी कोशिका द्रव्य विभाजन असमान होता है, तो आप ध्यान देंगे यहां पर भी जो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन हो रहा है वो भी असमान प्रकार का होगा। इस असमान विभाजन के फलस्वरूप एक द्वितीयक पोलर काय तथा एक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। पूर्व में निर्मित प्राथमिक पोलर काय का भी द्वितीयक परिपक्वन विभाजन द्वारा विभाजन होता है और इस तरह चार कोशिकाओं का निर्माण हमें मिल जाता है। इनमें से केवल अंडाणु ही सक्रिय मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। शेष तीन पोलर काय कोशिका द्रव्य के अभाव में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अधिकांश जंतुओं में परिपक्व विभाजन में केवल प्रथम परिपक्व या अर्धसूत्र विभाजन होकर ही रह जाता है। तो यह आप ध्यान देंगे कि अधिकांश जंतुओं में परिपक्व विभाजन में केवल एक प्रथम परिपक्व अर्धसूत्र विभाजन ही होता है, जैसा द्वितीयक परिपक्व विभाजन निषेचन के समय होता है। तो ये कुछ विशिष्टीकरण है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं असमान कोशिका द्रव्य विभाजन का क्या महत्व है। ये अंडजनन की क्रिया में विभाजन का प्रमुख उद्देश्य गुणसूत्रों की संख्या घटाना होता है। यदि विभाजन समान हुआ होता तो प्राथमिक अंड कोशिका में संचित भोजन भी चार भागों में विभक्त हो जाता, जो भ्रूण के विकास के लिए बिल्कुल अपर्याप्त रहता। इस तरह यह असमान विभाजन अंड कोशिका में खाद्य पदार्थों का आरक्षण करता है। तो खाद्य पदार्थों के आरक्षण के लिए यह समान कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ पर पाया जाता है, ताकि विकसित होने वाले भ्रूण के लिए भोजन अपर्याप्त न रहे। आगे हम पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला एग टाइप हो जाएगा आपका पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। अल्प पीतक या सूक्ष्म पीतक, जिन्हें हम माइक्रोलेसिथल एग भी बोलेंगे, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं ये अंडे, पीतक की मात्रा बहुत कम होती है। आदिम कशेरुकी प्राणियों जैसे सिफेलोकॉर्डेट व ट्यूनिकॉर्ड्स तथा यूथीरियन स्तनधारी प्राणियों में ये पाए जाते हैं। तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देंगे कि अल्प पीतकी और सूक्ष्म पीतकी अंडे जो है आदिम कशेरुकी प्राणियों में, जिनमें सिफेलोकॉर्डेट और ट्यूनिकेट्स प्रमुख है, और यूथीरियन स्तनधारी प्राणियों में ये पाए जाएंगे। केंट ने इन अंडों को अपीतकी अंडे नाम दिया है। ये नामकरण अनुपयुक्त है क्योंकि कोई भी अंडा बिना पीतक के नहीं पाया जाता है, थोड़ी बहुत पीतक की मात्रा उसमें अवश्य पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि इन्हें अपीतकी एलेसिथल एग केंट नामक वैज्ञानिक ने कहा था। दूसरे प्रकार के अंडे हमारे पास मध्यम पीतकी या मेसोलेसिथल, जैसे नाम से पता चल रहा है। पीतक की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है व न ही बहुत कम होती है, मध्यम प्रकार की होती है। और इस प्रकार के मेसोलेसिथल एग पेट्रोमाइजोन में, डिप्नोई में तथा एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में पाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एम्फीबिया वर्ग से पूछा जाता है कि एम्फीबिया वर्ग में किस प्रकार के एग मिलते हैं। पेट्रोमाइजोन और डिप्नोई में भी ये पाए जाएंगे।
तीसरे प्रकार के अंडे हमारे पास हो जाएंगे बहुपीत के अंडे, जिन्हें हम पॉलीलेसिटल एग या मैक्रोलेसिटल एग कहेंगे। नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर पितक की मात्रा बहुत अधिक होती है। उपास्थिल व अस्थिल मछलियों, रेप्टीलिया व एविज वर्ग के प्राणियों में ये अंडे पाए जाते हैं, तथा अंडे देने वाले स्तनधारियों में भी ये अंडे आपको दिखाई देंगे। प्लेटिप्लस और ऑर्निथोरिंकस में ये दिखाई देंगे। तो बिल्कुल आप बहुपीत के अंडों के उदाहरण भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम प्रकार देखते हैं पितक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार हमारा समपीत या होमोलेसिथल आइसोलेसिथल हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है पितक का विवरण जो है एक समान पाया जाएगा, सभी सूक्ष्म पीत के अंडे इनमें आते हैं। दूसरा प्रकार हमारा केंद्र पीत की सेंट्रोलेसिथल, वे अंडे जिनमें पितक अधिक व मध्य में होता है, उदाहरण सभी कीटों में। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीटों में किस प्रकार के एग मिलते हैं पितक के वितरण के आधार पर। तो कीटों में पितक के वितरण के आधार पर सेंट्रोलेसिथल या केंद्र पीत के अंडे पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के ध्रुव पीत या टेलोलेसिथल हो जाएंगे। पितक अधिक व एक ध्रुव पर उपस्थित होता है, पितक निचले सिरे पर एकत्र हो जाता है, जिसे पितक ध्रुव या वेजिटल पोल कहते हैं, तथा जिस सिरे की तरफ केंद्रक तथा सक्रिय कोशिका ध्रुव पाया जाता है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि वेजिटल पोल और एनिमल पोल कहाँ कहाँ मिलेंगे। इसमें मध्य व बहुपित के अंडे आते हैं, दोनों ही अंडे इनमें ध्रुव पित्त में आ सकते हैं। आगे हम देखते हैं अंड झिल्लियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। तो अंड झिल्लियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अधिकांश जंतुओं के अंडों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण भी पाया जाता है, यानी अंडों की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके बाहर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मिलेगी, इन्हें हम सहायक अंड झिल्लियां कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये निम्न होती है, पहली है प्राथमिक अंड झिल्लियां। तो फर्स्ट प्राथमिक अंड झिल्लियों में आप देखिए अंडाशय तथा अंड द्वारा ये निर्मित होती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक अंड झिल्लियां किससे निर्मित होती है, अंडाशय व अंड के द्वारा ये निर्मित होती है। प्रारंभ में ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है, परंतु बाद में तंत्र में प्रोटीन की हो जाती है। विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है, जो निम्नानुसार है। सबसे पहला हमारे पास है विटिलाइन कला, विटिलाइन मेम्ब्रेन। ट्यूनिकेट्स, मछलियों, कीटों, मोलस्क, एम्फीबियंस तथा पक्षी वर्ग में ये विटिलाइन कला मिलती है। तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूनिकेटा मछलियों में, कीटों में, मोलस्का में, एम्फीबियंस में, पक्षी वर्ग में। ट्यूनिकेट्स तथा मछलियों में इसे कोरियोन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटिलाइन कला को, विटिलाइन मेम्ब्रेन को हम कोरियोन, ट्यूनिकेट्स और मछलियों में कहते हैं। दूसरी आपकी हो जाएगी जोना रेडिएटा, शार्क मछलियों, कुछ अस्थिल मछलियों व कुछ एम्फीबियंस तथा रेप्टीलिया वर्ग के प्राणियों में ये रेखित होती है। रेखाएं विकासशील अंडकोशिका के सूक्ष्मांकुरों के कारण होती है। मछलियों के अंडों के इस झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें माइक्रोपाइल के नाम से हम जानते हैं। तो माइक्रोपाइल आप ध्यान देंगे, इन झिल्लियों में माइक्रोपाइल नामक स्ट्रक्चर मिलती है जोना रेडिएटा में। निषेचन के समय शुक्राणु इन्हीं से प्रवेश करता है। तो जोना रेडिएटा किसमें मिलती है, शार्क मछलियों में, कुछ अस्थिल मछलियों में, एम्फीबियंस में, कुछ एम्फीबियंस में, रेप्टीलिया वर्ग के प्राणियों में ये रेखित दिखाई देती है। नेक्स्ट तीसरे प्रकार की प्राथमिक झिल्लियां जोना पेलुसिडा के नाम से जानी जाएगी। स्तनधारी प्राणी अंडों में ये अरेखित अंड व पुटिका कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है। तो आप ध्यान देंगे ये अंड जो पुटिका कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होती है और मेनली स्तनधारियों में पाई जाती है, जोना पेलुसिडा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि स्तनधारियों में कौन सी प्राइमरी मेम्ब्रेन मिलती है अंडे में, तो जोना पेलुसिडा मिलती है। और डी हमारा हो जाएगा जेली आवरण, इकाइनोडर्म्स तथा समुद्री अकशेरुकी प्राणियों के अंडों में ये जेली आवरण पाया जाता है, जो कि प्राथमिक एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। सेकंड हम द्वितीयक अंड झिल्लियों की बात करते हैं। द्वितीयक अंड झिल्लियां अंडे की प्राथमिक झिल्ली के बाहर पुटिकीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम द्वितीयक झिल्ली बोलते हैं। तो प्राथमिक झिल्ली के बाहर एक झिल्ली और स्त्रावित हो जाएगी, जिसे पुटिकीय कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाएगा, इसे हम द्वितीयक झिल्ली कहेंगे। कीटों में, एसिडियंस में और साइक्लोस्टोम्स के अंडों में यह झिल्ली कठोर काइटिन युक्त आवरण के रूप में होती है और इसे कोरियोन कहते हैं। तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, विटिलाइन कला को भी हमने कोरियन बोला था मछलियों में, और यहाँ पर यह झिल्ली काइटिन युक्त आवरण के रूप में मिलती है एसिडियंस और साइक्लोस्टोम्स में, और इसे कोरियन नाम दिया गया है। तो आप अलग अलग इसे याद कर लेंगे। मेंढक के अंडों में एक पतली झिल्ली के रूप में विटिलाइन झिल्ली के बाहर ये पाई जाती है। पूछ युक्त एम्फीबियंस, यूरोडल्स, रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के प्राणियों के अंडों में द्वितीयक अंड झिल्ली का अभाव पाया जाता है, इनमें ये नहीं पाई जाती है। स्तनधारियों में भी इसका अभाव होता है, परंतु अंडाशय पुटिका कोशिका का एक आवरण प्राथमिक झिल्ली के बाहर पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा हम कहते हैं। यह द्वितीयक झिल्ली नहीं कहलाता, ध्यान रखना, कोरोना रेडिएटा जो है वो द्वितीयक झिल्ली नहीं कहा जाता, क्योंकि इस आवरण की कोशिकाएं अंडे से तभी टूटकर पृथक हो जाती है जब अंडा अंडवाणी में नीचे उतरता है। तो कोरोना रेडिएटा को हम द्वितीयक अंड झिल्ली नहीं मानेंगे, आप ध्यान देंगे। फिर हमारे पास तृतीयक अंड झिल्लियां, इनका निर्माण अंडाशय के अलावा
अंडवाहिनी या अन्य किसी मात्रक उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आप देखेंगे। इनका निर्माण तब होता है जब अंडा अंडवाहिनी में होकर गुजर रहा होता है। ये निम्न प्रकार की होती है, ओविपेरस अंडप्रजक उपास्थिल मछलियों के अंडों में एल्बुमिन तथा संघीय अंड कवच। संघीय अंड कवच का स्त्रवण अंडवाहिनी में उपस्थित कवच ग्रंथियां करती है। तो ओविपेरस जो अंडप्रजक उपास्थिल मछलियां हैं उनके अंडों में जो एल्बुमिन और संघीय हॉर्नी अंड कवच जो पाया जाता है वो इसका एग्जाम्पल है। संघीय अंड कवच का स्त्रवण अंडवाहिनी में उपस्थित कवच ग्रंथियां करती है। एम्फीबियंस अंडों के बाहर का जेलीकोट, जेलीकोट भी आपका तृतीयक एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। रेप्टिलिया व एविज वर्ग के प्राणियों के अंडों में पाए जाने वाले एल्बुमिन कवच जलिया तथा कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच, इनका निर्माण अंडवाहिनी के विभिन्न भागों से होता है। तो जो कठोर कवच मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो भी तृतीयक अंड झिल्ली का एग्जाम्पल है। अंड झिल्लियों के कार्य की आगे हम बात करते हैं। अंडाणु व भ्रूण की सुरक्षा करना, एसिडियंस में स्वनिषेचन को रोकती है। एम्फीबियंस में ये झिल्लियाँ अंडे को जल सतह पर तैरने में सक्षम बनाती है। अंडे में एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। रेप्टिलिया व पक्षी वर्ग के प्राणियों के अंडों का एल्बुमिन स्तर अतिरिक्त पोषक पदार्थ का कार्य करता है। जो एल्बुमिन स्तर है वो भी तृतीयक अंड झिल्ली का एग्जाम्पल होता है, ये आप ध्यान देंगे। स्तनधारियों के अंडे का जोना पेलिसुडा आवरण एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है, अंडे के संगलन को रोकता है व निषेचन के बाद विलयन को प्रेरित करता है। जोना पेलिसुडा जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। तो हमने डिस्टेंस यहाँ पर एग मेम्ब्रेन्स भी पढ़ ली है और एग मेम्ब्रेन से भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा ओजेनेसिस से अंड जनन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक से ओजेनेसिस से अंड जनन से जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।